नमस्कार, मैं अदिति आप सभी का हुजूर्स किचन में स्वागत करती हूँ। आज हम जो रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे वो एक डेज़र्ट है, वो है सूजी के लड्डू। ये बहुत ही इजीली बन जाते हैं घर पे, तो चलिए हम अपने लड्डू बनाते हैं। उससे पहले उसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इन लड्डू के लिए सबसे पहले हम सूजी लेंगे। हमने यहाँ पर 2 कप सूजी के लिए हैं। उसके बाद हमने 1/2 कप यहाँ पर घी लिया है, प्योर देसी घी है ये। उसके बाद हमने यहाँ पे 200 ml कंडेंस मिल्क लिया है। हमने यहाँ पे काजू और किशमिश लिए हैं और 1 चम्मच हमने यहाँ पे कार्डमम का पाउडर लिया है। अब हम एक कढ़ाई में घी गरम करेंगे, बहुत ज़्यादा गरम नहीं करेंगे, हल्का सा गरम करके फिर उसमें काजू डाल के मिक्स कर लेंगे उसको। इसको मिक्स करने के बाद हम इसमें बाद में किशमिश डालेंगे। आप अपने पसंद के कोई से भी ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें, लेकिन सूजी के लड्डू के साथ किशमिश बहुत अच्छी जाती है, तो किशमिश का तो ज़रूर इस्तेमाल करें। बाकी ड्राई फ्रूट्स आप अपने पसंद से इस्तेमाल करें। फिर हम इसमें सूजी डालेंगे और इसको हम एकदम मीडियम फ्लेम पे 5 से 6 मिनट के लिए लगातार हिलाते हुए भून लेंगे। इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा। आप चाहें तो इसको थोड़ा और भी भून सकते हैं, लेकिन 5 से 6 मिनट जो हम उसको भूनते हैं उसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इसको लगातार चलाते रहें, नहीं तो वो बीच से जल भी जाता है। अब हम इसमें इलायची का पाउडर डालेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें कंडेंस मिल्क डालेंगे। हमने गैस बंद कर दी है, कंडेंस मिल्क डाल के इसको मिक्स कर लीजिए अच्छे से। क्योंकि हमारी कढ़ाई भी गर्म है और सूजी भी गर्म है तो उसमें ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद जब ये एकदम एक साथ इकट्ठा हो जाए तब तक इसे मिक्स करेंगे। ये हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र करेंगे। इसमें हम इसको ठंडा करेंगे 2 से 3 मिनट। उसके बाद हम इसके लड्डू बनाएंगे। ऐसे छोटा सा पोर्शन लेके इसको इस तरह से लड्डू बनाएं। अगर आपको लग रहा है कि आपका मिक्सचर बहुत टाइट है और चिपचिपा है, नहीं मैनेज हो रहा, तो आप इसमें हल्का सा दूध, गर्म दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आधी कटोरी जैसे का, आप उसको इसमें मिक्स कर लीजिए, फिर इसके लड्डू बनाएं। ये देखिए इस तरह से हमने सारे लड्डू बनाने हैं इसके। आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, ज़्यादा बड़ा छोटा जैसा आप चाहें। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। ये हमारे लड्डू तैयार हैं, ज़रूर बनाएं, घर पे ट्राई करें और अपने वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट्स हमारे साथ शेयर करें और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।